अब मोयन को चेक करने के लिए मैं इस तरह से हाथों में मुट्ठी बनाऊंगी। ये देखिए, ये मुट्ठी प्रॉपर बन रही है, मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ चूरमा। इसे खास तौर पर जन्माष्टमी फेस्टिवल पर बनाया जाता है। यह कृष्ण भोग के लिए बनाया जाता है। यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसे आप 10-15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं चूरमा बनाना। चूरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप आटा, ये नॉर्मल आटा है। साथ में लिया है 1/2 कप घी। सबसे पहले हम आटे में घी को ऐड करेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से हम मसलते हुए इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मोयन को चेक करने के लिए मैं इस तरह से हाथों में मुट्ठी बनाऊंगी। ये देखिए, ये मुट्ठी प्रॉपर बन रही है, मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। एक साथ हमें पानी नहीं डालना है और एक टाइट डो हम इसका तैयार करेंगे। ये एक टाइट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें थोड़े थोड़े से हम बॉल्स लेंगे और इस तरह से एक सर्कल बना के छोटी छोटी हम ऐसे टिकिया बना लेंगे। ये देखिए, सभी टिकिया बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में मैंने घी को डाल दिया है। घी गर्म हो गया है, आप चाहें तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये जो हमने पेड़े बनाए थे इसको डालेंगे। ये पेड़े मैंने डाल दिए हैं, एक बार में जितने आएंगे हम उतने ही डालेंगे। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तलने देंगे। अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, जब ये तल के थोड़े थोड़े ऊपर आ जाएंगे उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए, तल के थोड़े थोड़े ऊपर आ गए हैं, अब हम इनको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, यहां से गोल्डन भी हो गए हैं। इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से तलने देंगे। याद रखिएगा, गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। इसे बिल्कुल तेज ना करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको हम दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। ये अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं हम बाकी बचे हुए पेड़े भी तलकर तैयार कर लेते हैं। ये सभी अच्छे से तलकर तैयार हो गई हैं। अब ये जो हमने पहले कढ़ाई से निकाली थी उसको इस तरह से दो दो तीन तीन टुकड़े करके हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। ये देखिए, इसको मैंने हाथों से तोड़कर इसके बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसको मिक्सी में चलाकर इसको पीस लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी और बाकी बची हुई टिकिया को भी इसी तरह से हम पीस लेंगे। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसी मिक्सिंग जार में मैं डालूंगी 3/4 कप चीनी और इसको भी बिल्कुल बारीक पीस लूंगी। ये चीनी को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, इसमें दाने नहीं होने चाहिए। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम पाउडर शुगर और चूरमे को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने काजू बादाम किशमिश लिया है, आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। काजू और बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।